माई नेम इज़ आदिल एंड आई वर्क फॉर स्टेम सेल केयर इंडिया. ही इज़ आवर पेशेंट्स सन. दे केम फ्रॉम दी कानपुर. सर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हफीज़ है. एंड आप किस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए? पार्किंसन के लिए. ओके. सो कब ये डायग्नोज हुआ था? ये इनको तो 20 साल हो गए. ये समझिए कि इनको सन 2005 या 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा. ओके. कि बॉडी मूवमेंट, पैर जो है ज़मीन में बिल्कुल फिक्स हो जाता है एक तरफ का. तो बिल्कुल रगड़ गए. हम लोग ने इसका पहले तो कानपुर में ही इलाज कराया डॉक्टर हाशमी. फिर उसके बाद संजय गांधी ले गए डॉक्टर प्रधान. वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ. वहाँ पे क्या होता था कि बहुत से जैसे कि वीआईपी बहुत आ जाते थे कि काम ही नहीं हो पाता था. ये रात के 10-10 बजे तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ. फिर उसके बाद राम मनोहर लाल लोहिया से इलाज चलता रहा कंटिन्यू चल गया. फिर उसके बाद अब स्टेम सेल्स के लिए बताया गया तो कई लोगों से फिर जानकारी हुई. फिर उसके जानकारी लेने के बाद बोली जानकारी लेने के बाद फिर यहाँ पे आपके पास आया गया है. तो जब यहाँ आए तो आपने तो किया ही है. तो अब उसको करने के बाद अब तो कुछ तो रिलीफ मिला है कि जैसे कि ज़्यादा बॉडी जो डिस्मैश हो रही थी हिल रही थी बहुत सी, वो उसमें घंटे का फर्क पड़ गया है. ओके. मींस और अभी तो कोई साइड इफेक्ट तो इतना कुछ दिखा नहीं है. सो कल हमने ट्रीटमेंट किया उसके बाद कोई प्रॉब्लम, कोई फीवर, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं? कुछ नहीं बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. क्योंकि बहुत सारे पेशेंट डरते भी हैं कराने से पहले कि इसका कोई साइड इफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम होती है. डर तो हम लोगों को भी लगा. हम लोग ने भी काफ़ी चीज़ें जैसे कि गूगल पर सर्च किया. आ रहा था जैसे कि ब्लड निकलेगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, वॉमिटिंग होगी और चक्कर आएगा. ऐसा कुछ नहीं हुआ. बिल्कुल ठीक है. ओके जी. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट? तो बिल्कुल सही रहा. जो भी उनको जैसे कि जो पेन नहीं हुआ लगाने में करने में कोई दिक्कत नहीं हुई. बहुत आराम से 40 मिनट्स का टाइम लगा. आराम से आ गए जो ओटी में ले जाके अपना हिसाब से बहुत अच्छे से काम हुआ है. ओके. थैंक यू सर.